इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा 4 घंटे की दूरी पर, दुबई में होगी चौके छक्कों की बहार, विकेटें भी गिरेंगी लगातार, पाकिस्तान और भारत 7 बजे आमने सामने होंगे। आपने घबराना नहीं, शुएब अख्तर का बाबर आजम को मशवरा। साबिक फास्ट बॉलर ने कप्तान को भारत से जीतने का गुर भी बता दिया। शाहिद आफरीदी की भी मैच देखने की तैयारी, कौमी टीम की शर्ट पहनकर स्टेडियम पहुंचेंगे। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। आईसीसी ने क्रिकेटर हसन अली की मिली नगमा गाते हुए वीडियो शेयर कर दी। मोहम्मद हफीज बोले, बहुत अरसे बाद ये नगमा हमें मुत्तहिद कर रहा है। This song obviously from the many many years unite everyone together in this field. So पाक भारत मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग, दोनों ममालिक के शायकीन का अपनी टीम की कामयाबी के जज्बात का इजहार। ट्विटर पर हैशटैग ग्रीन शर्ट्स विल विन और पाक वर्सेस इंडिया टॉप ट्रेंड बन गया। किसका पलड़ा भारी, किसकी होगी जीत, कैसी है शाहीनों की तैयारी, कौन सा खिलाड़ी पलट सकता है बाजी, बड़े मैच की बड़े कवरेज सिर्फ 24 न्यूज पर। नजम सेठी, सलीम मलिक, मोहम्मद इलियास, मंसूर अख्तर, यासिर अरफात, हारून रशीद देंगे माहिराना तबसरे। सारी कौम आज जोश और जज्बे और वलवले से अपने रवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ मैच की मुंतजर होगी। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला कौम के जज्बात और पाक सुने और पाकिस्तानी टीम को कामयाबी अता करे। वज़ीर दाखला शेख रशीद भी पाक भारत मैच देखने के लिए बेकरार, बोले भारत के साथ मैच कभी मिस नहीं किया, शेख की टिकट जाया हो गई, ये मामूली बात नहीं, हमारा फाइनल आज ही है, पूरी कौम क्रिकेट टीम के पीछे खड़ी है। जी सर, देखें इंशाल्लाह ताला इस पे भी काम हो रहा है। हुकूमत और कलदम तहरीक लबैक के मुज़ाकरात, वज़ीर दाखला का मंगल बुध तक मुकदमात वापस लेने, शेड्यूल 4 पर नजरसानी करने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं कि मजहबी लोगों के साथ टकराव नहीं होना चाहिए, इमरान खान के साथ आया हूं और उसी के साथ जाऊंगा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही हैं। मजहबी लोगों से टकराव नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स इस वक्त जनरल फैज हैं अभी तक। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को महंगाई और तबाही के जरिए कौमी सलामती खतरे में डालने का मुजरिम करार दे दिया। कहते हैं मुईशत और मौजूदा हुकूमत में से एक को चुनना होगा, जालिम हुकूमत से निजात के लिए पूरी कौम को घरों से निकलना होगा। जाम कमाल वजीर आला बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसले में बस आज का दिन ही बाकी। नाराज अरकान की तहरीक अदम एतमाद पर कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। 65 के ऐवान में 39 अरकान तहरीक अदम एतमाद के हामी, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को हार नजर आने लगी, ऑपोजिशन में बैठने का इशारा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अहलिया ने उमरे की सआदत हासिल कर ली, मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, हमाद अजहर, मौलाना ताहिर अशरफी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म का सरकारी दौरा सऊदी अरब, वफ्द में शामिल अफराद की तादाद 80 हो गई, अहले खाना स्टाफ सरकारी अहदेदार और बिजनेसमैन शामिल। इमरान खान कल रियाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत, सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वफ्द सऊदी अरब का सरकारी मेहमान, सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं होगा। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए पोलियो का खात्मा नागुजीर है। पोलियो का खात्मा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था। बिलावल भुट्टो जरदारी का पोलियो से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी, एक दिन में 591 अफराद का टेस्ट मस्बत आ गया, मजीद 18 अफराद जान से गए, मस्बत केसेस की शरह 1.35% रिकॉर्ड।
इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश, बनू, लंडी कोतल, तखभाई, सवात में बादल जमकर बरसे, यालाबारी भी हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार।